राजस्थान में लंबे वक्त से गहलोत कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल को नया रूप नहीं दिया गया। इस सस्पेंस के बीच सरकार के तीन मंत्रियों ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद सूबे का सियासी पारा गर्मा गया। माना जा रहा है कि बदलाव की बयार राजस्थान से भी होकर गुजरेगी। राजस्थान में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? क्या नए चेहरों को मिलेगी जगह? क्या पुराने चेहरे होंगे बाहर? लंबे वक्त से राजस्थान की राजनीति में इन सवालों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। मगर अब मंत्रियों के त्यागपत्र से इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि कैबिनेट विस्तार के साथ बदलाव भी देखने को मिलेगा। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के तीन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों मंत्रियों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजस्थान के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि एक पद एक व्यक्ति की पार्टी परंपरा और अनुशासन का ख्याल रखते हैं। हम लोगों ने इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया है। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था कि उन्होंने नाराजगी में इस्तीफा दिया है। डोटासरा ने कहा था कि वो नाराज नहीं हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ करने के लिए इस्तीफा दिया है। डोटासरा ने गुटबाजी को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। डोटासरा के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिलेगी। इन सब के बीच अजय माकन और अशोक गहलोत की बैठक भी हुई। राजस्थान कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कल शाम 4 बजे राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी एंट्री और किसकी होगी एग्जिट। डीबी लाइव की रिपोर्ट।